मोदी नेतृत्व में बदलते कश्मीर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस कश्मीर के युवाओं को देश की सेना के प्रति नफरत का भाव था, कश्मीर के जो युवा सेना पर पत्थरबाजी को आतुर रहते थे, वो आज सेना को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बदलाव धारा 370 और 35A के हटने के बाद का है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा LOC के पास स्थित मेढर सेक्टर का बसुनी गांव आए दिन पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी झेलता है। ये इलाका शेलिंग से पूरी तरह प्रभावित रहता है। अब सेना इस इलाके में युवाओं के लिए खेल का मैदान बनवा रही है। पाकिस्तान की नापाक साजिश के कारण यहाँ रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बसुनी गांव के साथ लगभग 5 गांव और लगते हैं, जिनके लिए सेना ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स की 49 राष्ट्रीय राइफल ने सीमा पर रहने वाले युवाओं के लिए खेल का मैदान बनवाने का कदम उठाया है और इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। सेना के इस कदम की ग्रामीण सराहना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के युवा बचपन से ही पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित रहे हैं, जिसके कारण वो हमेशा खेलकूद में पिछड़ जाते हैं। लेकिन आज भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा ये प्रयास यहाँ के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ग्राउंड के बनने के बाद से यहाँ के युवा अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, तो वहीं सेना में शामिल होकर देश सेवा का भी हिस्सा बन पाएंगे।